हेलो दोस्तों, आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मॉल वाली स्वीट कॉर्न की चार तरह की अलग अलग रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हम इसे एक बार में ही चार तरह के फ्लेवर आपको बनाना बताएंगे कि तरीका देखकर आप कहेंगे कि अरे पहले क्यों नहीं पता था। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने निकीज कुकिंग कॉर्नर में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फ्रोजन कॉर्न लिए हैं। ये सफल का फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। ये बनाने में आसान होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से भी भुट्टा खरीद सकते हैं और उसके दाने निकाल कर उसे कुकर में 10 मिनट के लिए पानी नमक डालकर बॉयल कर सकते हैं 5-6 सीटी आने तक। पर ये फ्रोजन कॉर्न है, ये पहले से ही मुलायम होता है, तो इसे कढ़ाई या पैन में हल्का सा बॉयल करना होता है। इसे कुकर में बिल्कुल नहीं उबालें। तो सबसे पहले इसे हम धो लिए हैं। बहुत लोग इसे बिना धोए भी यूज करते हैं, पर हम इसे बिना धोए नहीं बनाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसे धो लिए हैं। और इसे माप वाले कप में आप देख रहे हैं कि पूरा फुल एक कप आ रहा है, और ये मिलीग्राम वाला कप है, और इसी में हम 150 ग्राम पानी ले लिए हैं। यानी कि नॉर्मल कटोरी से ये कॉर्न 3 कटोरी है, और इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी मात्रा यानी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये है नमक, आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा न डालें। और इसे अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे लिड लगा देंगे। लिड लगाकर इसे गैस पर रख देंगे। अब फुल फ्लेम पर इसे लगभग 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। तो इसे भी हमें अभी सुखाना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और ये एकदम मुलायम भी हो जाएगा, क्योंकि इसे कुछ देर हमें स्टीम देना होता है। तो स्टीम देने के लिए ही इसमें पानी डाला जाता है, यानी कि ज़्यादा पानी न डालें। तो 2 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अब इसमें पानी नहीं है, यानी कि ये ड्राई हो गया है। तो गैस बंद कर देंगे और एक बड़े से बाउल में ये सारे कॉर्न एक साथ निकाल लेंगे। कई लोग ऐसे बनाते हैं कि कॉर्न को बारी बारी से लेते हैं और अलग अलग फ्लेवर से बनाते हैं, पर हम आपको इसी वीडियो में कई तरह के बनाना बता रहे हैं, आप बस इसे ध्यान से देखिएगा। तो इस गर्मा गर्म कॉर्न में सबसे पहले हम बटर क्यूब्स डाले हैं, उसके बाद ये है काला नमक, और ये है आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और ये है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये है काली मिर्च पाउडर, और ज़रा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सबको डाल कर अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया क्लासिक बटर स्वीट कॉर्न। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, और आप देख रहे हैं कि हम इसे अलग अलग बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। तो ये एक फ्लेवर आपका तैयार हो जाता है। और दूसरे फ्लेवर के लिए इसी तैयार स्वीट कॉर्न में क्यूब वाला चीज़ को हम ग्रेट करके डाल देंगे। तो ये हो गया दूसरा फ्लेवर, यानी कि चीजी स्वीट कॉर्न। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे भी बनाइएगा। तो ये हो गए दो फ्लेवर के। और सच मानिए तो ये फ्लेवर बच्चों का एकदम फेवरेट है, जो कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद इसे फटाफट गर्मा गर्म सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कॉर्न की रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब थर्ड फ्लेवर का स्वीट कॉर्न बनाने के लिए इस स्पाइसी कॉर्न में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, लेमन जूस, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसके ऊपर ज़रा सा नमकीन डालकर आप सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब ये तीसरा स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी है। और चौथी तरह की जो
और स्वीट कॉर्न की रेसिपी है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी की लिंक दे दिए हैं। आप उस चटनी को इसमें डालिए और इसे अच्छे से मिलाइए। और अगर आप चाहें तो इसमें पनीर के क्यूब्स या फिर आप चीज़ डालिए और सर्व कीजिए। और जब आप ये खट्टी मीठी तीखी स्वीट कॉर्न की रेसिपी बनाइए तो इसमें से आप लेमन जूस को स्किप कर दीजिए, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी सारे फ्लेवर्स मौजूद होते हैं, तो ये भी खाने में बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। तो आप भी इसे बनाइए, सबको खिलाइए और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फ्लेवर अच्छी लगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।